हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 5:30 बजे है, मैं उठ चुकी हूँ और हमेशा की तरह किचन की खिड़की से आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल चरा दी है, यहाँ पे तुरई काट ली है सब्जी के लिए, और ये हार्दिक के टिफ़िन के लिए आटा डो रेडी कर दिया है, और साथ में ही मुझे अभी आलू भुजिया के लिए आलू भी काटना है, और ये कल सारी सब्जी इन्होंने ग्रोसरी हबी लाए है उसको भी साफ़ करना है, अच्छे से जगह पे रखना है। तो बारिश हो रही है बाहर में, और यहाँ पे मैं तुरई की सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। तुरई की सब्ज़ी अगर बनाओ तो दाल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रेवी होता है और ग्रेवी के साथ सुबह में थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है ना, तो सुबह का खाना हो जाता है। चावल मैंने चढ़ा, बन गया चावल, और यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी। तुरई तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाहर में देख सकते हो बारिश। ऐसा क्यों होता है, जब भी स्कूल जाने का टाइम होता है ना तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे 6:30 तक बारिश थी ही नहीं, बट अभी जैसे 7 बजने वाले हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हबी ग्रोसरी लाए थे, बनाना, ये केला है, हार्डी के लिए टिफ़िन वगैरह के लिए चाहिए, एक पक्के हैं बाकी सारे इतने पक्के नहीं हैं, और कुछ ग्रोसरी का सामान यहाँ पे हार्डी के लिए बिस्किट है, मैगी है। मैगी वैसे हार्डी खाता नहीं है, बट कभी कभी मन कर जाता है ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, तो मैं ही खा लेती हूँ या हबी खा लेते हैं। और हार्डी के लिए बिस्किट, ऑयल, पापड़, दंत मंजन, मतलब टूथपेस्ट आदि का फेवरेट, पापड़ है, मटर है, काली चना है, यहाँ पे जीरा है, 5 फोरन है, गार्लिक है, लहसुन है ये थोड़े से, और ये बिस्किट है, मसूर दाल, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें अभी तक लेके आए थे, मैंने लिस्ट बना के दी थी शाम में। तो ये सब चीज़ें आ गए हैं देख सकते हो, और एक पनीर का डिब्बा है जो आज लंच में बनेगा, हार्दिक को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे काला चना भी है, और थोड़े से साबुन वगैरह है, ये मटर भी है। तो इतना सारा सामान अभी कल लेके आए थे, नमक, ये सूजी है, तो ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे आजकल हार्दिक का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, टिफ़िन वगैरह देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ज़्यादातर तो मैं रोटी सब्जी देती हूँ, क्योंकि स्कूल 2 बजे तक होता है ना, थोड़ा सा हैवी अगर उसका टिफ़िन रहे तो पेट भर जाता है। तो इतना सारा ग्रोसरी का सामान यहाँ पे आ गया है देख सकते हो, और अभी तो ये सबको समेटने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये दोनों जब अपने अपने काम में चले जाएँगे, हार्दिक अपना स्कूल, अभी ड्यूटी, तभी मैं सारा काम करके ये सब समेटूंगी। और यहाँ पे हार्दिक के लिए रोटी के साथ खाने के लिए आलू भुजिया मैंने रेडी कर दी है। आज ट्यूसडे है तो घर में ना प्याज बनता है ना लहसुन बनता है, सिर्फ इसको मैं फ्रेंच फ्राइज की तरह ही बनाई हूँ। और ये देखिए हार्दिक के लिए टिफ़िन रेडी हो गया है छोटे छोटे करके, और ये हार्दिक अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, कुछ से खा लेता है देख सकते हो। 7:00 बजने 8:00 7 बजने के लिए अभी 20 मिनट बाकी है। टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है, और टिफ़िन में रोटी सब्जी दी हूँ, आलू भुजिया, और साथ में एक बनाना भी दी हूँ। अगर उसको बोल रहे, अगर बनाना साथ ही साथ में खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि रोटी खा ली फिर बनाना भी खा लो, ऐसा नहीं, उसको मैंने बोला अगर बाद में भूख लगे 2 बजे तक तब खा लें। गाइस, दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं जस्ट ही नहा के आई हूँ, और कपड़े देख सकते हो सभी ही तरफ कपड़े ही टंगे होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर में, और मैं दोनों बच्चों को, मतलब हबी और हस्बैंड, तो अभी नहा के आई हूँ, और अभी बज गए हैं 9। चलिए पहले दूध लेके आते हैं, फिर बाकी का काम स्टार्ट कर ले, मतलब पूजा वगैरह करते हैं। चलिए पहले दूध लेके आते हैं, अभी बारिश भी हो रही है। चलिए दूध लेके आते हैं, फिर बाकी का काम स्टार्ट करते हैं।
तो हाँ चलिए दूध लाने चलते हैं। और बाहर में बूंदाबांदी बूंदाबांदी चल रही है, और बारिश के चलते ना हमारा जो कैंपस है, हमारा जो घर का थोड़ा बहुत खाली हिस्सा है, बचा हुआ है, वो ना पानी से भर गया है। ऐसे ही अगर बारिश होती रही तो पूरा मतलब और ज़्यादा पानी घर तक आ जाएगा। ये देख सकते हो, ये एरिया खाली है जहाँ बच्चे खेलते हैं, खेल कूद करते, ये जगह पूरा पानी से भर गया है। और 2-3 दिन ऐसे ही बारिश चलती रही तो फुल पानी हो जाएगा, एकदम से बरामदे तक आ जाएगा। और मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए, पास ही के घर में ही दूध लाने के लिए जा रही हूँ, एकदम पास ही में। इसलिए कोई मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, दूर नहीं है, बस 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 2-3 मिनट लगता है। तो दूध लेके आ गई हूँ। दूध ना एकदम से गर्मा गर्म है रहता है हमेशा, क्योंकि भात खा ले। मैं अपने लैंडलॉर्ड से बात कर रही थी। खा ले मामा, मो दाती को ना ले दे। ओ कैसे हैं? ओ आसे मैं ना से। हाँ तो हाँ, मैं जहाँ पे दूध निकालते हैं ना, तो दूध लाके रख दी हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। और आज मटर भिगो के रखे हैं, हाडी का फुल क्लासेस होगा 2 बजे तक बताई हूँ। तो मटर पनीर बनाएंगे, उसको बहुत ही पसंद है पनीर, तो आज मटर पनीर बनेगा। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, बाकी काम बाद में। मेरी यहाँ पे पूजा भी हो गई है गाइस, जस्ट ही पूजा की हूँ, जस्ट ही पूजा हो गई है मेरी। और ये दिया बाती सब अंदर रख देते हैं, ऊपर रखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, मेरी पूजा संपन्न हो गई है। जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, गणपति बप्पा मो। और ये हूँ मैं, पूजा हो चुकी है, बाहर में बारिश भी चल रही है। चलिए पानी वगैरह पीते हैं, मतलब प्यास लगी है। पूजा हो गई, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, अभी 2 रोटी बना रही हूँ, चाय के साथ पी लूँगी, चाय या दूध। चाय बहुत कम पीते हैं हम, घर में बना के पीते ही नहीं है, लेकिन आज दूध है थोड़ा सा बचा हुआ, मन करता है कभी कभी तो पी लेंगे, वेदर को देख के ही मन करता है ना। और यहाँ पे सारे सामान मैंने यही रख दिए थे, नीचे में झाड़ू पोछा की थी ना, तो चाय पी के इन सबको समेटना है। पहले रोटियां बना लेते हैं, और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों से और एक न्यू ब्लॉग में, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, फिर काम करेंगे। अभी तो 10:30 के करीब हो गए, आज हार्दिक का 2 बजे तक होंगे स्कूल, मतलब फुल क्लासेस। तो चलिए बनाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय।